हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थर्सडे है और संडे को हमारी एनिवर्सरी है। गिफ्ट मैं लेकर आ गई हूँ इनके लिए और वो शेयर करूँगी मैं एनिवर्सरी के बाद या उनको गिफ्ट देने के बाद शायद। और मुझसे बिल्कुल भी पच नहीं रहा है कि मैं मतलब लेकर आ गई पहले से और देने का मन कर रहा है अभी से ही। अभी वो है नहीं, पता नहीं धीरे क्यों बोल रही हूँ, बट फिर भी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और वो व्लॉग मैंने बना तो लिया है, एडिटिंग करनी है और जो मैं गिफ्ट लेने गई थी तो उसका। और अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कब दूंगी, कभी भी दे सकती हूँ, इसलिए वो व्लॉग थोड़ा लेट आएगा। क्योंकि अगर मैंने व्लॉग डाल दिया तो वो उनको पता लग जाएगा सरप्राइज के बारे में। कियारा है, कियारा से मैं मिलवाती हूँ। पुणे से वो आ गए थे और उसके लिए टॉय लेकर आए हैं। कियारा कह रही है मेरे टॉय दिखाओ, मैं कियारा के टॉयज दिखाऊंगी, तो चलो चलते हैं। कियारा हो गई है नहा धो के रेडी और इसने हेयर पे लगाया है ऑयल। अभी गीले हैं बाल, है ना, हल्के 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 से बिल्कुल। ठंड तो नहीं लग रही। और ये पापा लेकर आए हैं कियारा के, देखो बहुत अच्छे वाले कलर्स। और इसका ढक्कन टूट चुका है। Yes. इसके कलर हैं येलो, ग्रीन, ब्लू, नियॉन ऑरेंज, पर्पल, ब्लू। अब मेरा फेवरेट कलर पिंक। ये ग्रीन है, ग्रीनिश कलर, ब्लू कलर होता है ना वो। हाँ। और ये है पिंक, मेरा फेवरेट नियॉन कलर है मोस्टली सारे कलर। और ये चलेगा गन से, देखो ना? मैं सिखाती हूँ। ये जो है आप इसके अंदर डाल लोगे, इसके ढक्कन खोलेंगे और करेंगे और ये निकलेगा इस टाइप से। ये मतलब बेसिकली क्ले है इसके अंदर। Yes. निकाल के दिखाओ ना, इधर इधर साइड में, इसकी साइड में निकाल के दिखाओ, इधर ये निकला। और ये क्ले है, मतलब इससे ना आर्ट कर सकते हैं, पता नहीं क्ले है एक टाइप का, पता नहीं। बट इस मेरे हाथ में कलर लग जाता है, कलर है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। सो आपने देख लिया है कि कियारा के लिए पुणे से आ गए थे, पुणे गए हुए थे और उसके लिए लेकर आते हैं हर बार बाहर से जब भी आते हैं। और मेरे लिए लेकर आए हैं वड़ा पाव, जो कि अगर मैं खाऊंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। वड़ा पाव वहाँ का फेमस है, आपको पता ही, पुणे मुंबई का तो बहुत ही फेमस है उधर का, तो ज़रूर लेकर आते हैं मेरे लिए। जहाँ भी जाते हैं ना, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर, जहाँ भी जाते हैं वो लेकर आते हैं मेरे लिए स्पेशल, जहाँ का कुछ भी होता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो मतलब चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाने की चीज़ हो। अब जैसे हैदराबाद जाते हैं तो हैदराबाद बिरयानी लेकर आते हैं, लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ की बिरयानी, लखनऊ सूट लेकर आते हैं। और अभी बनाने जा रही हूँ चिकन, जो कि आपसे शेयर कर सकती हूँ थोड़ी सी रेसिपी, और थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे बनाना है। बट मैं उस टाइप से नहीं बनाऊंगी जो भैया दोस्त पर बनाया था ना, उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली, क्योंकि अभी खाया था वो उस टाइप का मैंने, और उसके अगले दिन भी वो खाया था, तो वो कुछ नहीं खाने का मन कर रहा, करी खाने का मन कर रहा है, चिकन करी। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी। मैं ना बिल्कुल भूल गई थी स्टार्टिंग से चिकन का वीडियो बनाना, तो मैंने सबसे पहले अभी शुरू का बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है और लहसुन लिया है, उसको चिल्ली कटर कर दिया है, मतलब चौकोर चौकोर काट लिया है, पीसा नहीं है। और फिर उसको वो भूनना है हल्का लाइट ब्राउन। फिर उसके बाद मैंने डाला है अदरक का पेस्ट, और अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है मैंने टमाटर का, सीधा डाल दी है उसके अंदर चिकन। चिकन डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई करा है, फिर उसके बाद मैं आपको उसमें ऑडियो डाल दूँगी, पूरा आगे का प्रोसेस देख लेना। और अभी अभी देख लो ये वीडियो, चिकन रेसिपी। अब इसके बाद मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, जो भी आपके घर में खड़े मसाले हैं
मैं यही यूज़ करती हूँ। आप पिसावा मसाला भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और इसके बाद आप अच्छी तरह इसको 15-20 मिनट तक आपने अच्छी तरह इसको भूनना है। सबसे मेन काम होता है इस चिकन को या कोई भी सब्जी को आप मसाले में अच्छी तरह भून लें, उसका अलग ही स्वाद और अच्छी तरह फ्लेवर अच्छी तरह चले जाते हैं। इसमें मैंने डाला है मीट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा धनिया डालूंगी क्योंकि मीट मसाले में बहुत धनिया होता है। थोड़ी सी लाल मिर्च और डाली है, मेरे को थोड़ी कम लग रही थी। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे, अपने स्वाद के अनुसार सारे मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें और कुछ नहीं डाला है मैंने और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब आपने अगर टमाटर डालने हैं तो टमाटर डाल सकते हो, दही डालनी है तो दही डाल सकते हो। मैंने इसको अच्छी तरह 20-25 मिनट अच्छी तरह फ्राई करके इसके अंदर मैं डालूंगी नेक्स्ट दही, जो कि मुझे दही वाला ही बहुत पसंद है। अगर आपने करी बनानी है ढंग से और काफ़ी क्वांटिटी में बनानी है तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी इसमें पहले डाल के देखी कि दही कितनी ठीक है या नहीं, फिर मेरे को थोड़ा सा कम लगा तो मैंने आगे थोड़ी सी दही और ऐड करी थी इसमें, तो जो कि इसमें आप देख रहे हो मैंने आधी कटोरी के बराबर मैंने और भी ऐड कर दी थी दही। इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक ये अच्छी तरह फ्लेवर अच्छी तरह चिकन में ना आ जाए। और आप अच्छी तरह चला सकते हो क्योंकि अभी ये कच्चा होता है, तो इस टाइम पे हम अच्छी तरह इसको चला भी सकते हैं। फिर इसके बाद आप चलाएं ना और ये धीमी आंच पे आप ढक के इसको रख देंगे, और अगर तेज़ होगी तो ये मसाले जल जाएंगे, इसलिए धीमी आंच पे ही आप इसे पकाएं। ये देख सकते हो आप, इसका कलर आने लग गया है भूनने का बाद, ढक के अच्छी तरह बन चुका है। चिकन गल के रेडी है और अच्छी तरह हम धनिया डाल सकते हैं, जितना आप डाल सकते हो, ग्रेवी जितना बनाना चाहते हो डाल बना सकते हो। तो ये बन के हमारा चिकन रेडी है, चिकन करी। सो जो मैं अभी कह रही थी आपसे कि वड़ा पाव दिखाऊंगी, तो ये पैकिंग तो कुछ मैंने ये इसमें रखा है, वैसे ये आई थी कागज के रैपर में, मतलब कागज में था। तो ये हमारे लेकर आए थे पुणे से, जो मैं अभी बता रही थी आपको, मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। अब पिछली बार ये लेकर आए थे हैदराबाद से बिरयानी, तो बिरयानी दिखाना मैं शायद भूल गई थी। तो ये है वड़ा पाव और ये अभी मैंने फ्रिज में रखे हुए थे क्योंकि कल मैंने एक खाया था, अब मैं एक खाऊंगी। ये देखिए, और ये है पाव, ये है बड़ा, जो इसकी स्टफिंग होती है इसके अंदर जो होता है वो इस टाइप की होती है, जो मैं बनाती भी हूँ। कड़ी पत्ता, मस्टर्ड सीड्स और ये सब कुछ होता है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जीरा सब कुछ होता है। और इसके तीन हैं और इसके अंदर ये वाली चटनी होगी, इसको मैं गरम करूँगी अभी, लहसुन की और मूंगफली की चटनी होती है और साथ में ये हरी मिर्ची होती है जो बहुत बहुत टेस्टी होती है। इसमें हम ये वाला, बहुत सारी हरी मिर्ची हैं, ये मसाला हम इसमें लगाएंगे और फिर खाएंगे। इसको दिखाती हूँ आपको, बना के दिखाती हूँ। इसमें जैसे ये वाला मसाला है ना, इसमें हम डाल लेंगे जितना डालना है, मिर्ची ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हरी मिर्च बहुत तेज है, इस टाइप ज़्यादा सा डाल देंगे क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। हरी मिर्च आपने अलग से खानी, अलग से खाओ, ऐसे अलग रख लीजिए और खा लीजिए, या इसी के अंदर डालना चाहते हो डाल दो। तो टेस्ट देख लेते हैं, वैसे तो मैंने देख लिया है खा के कल, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे तो जो मिलता है वो अलग ही होता है, ये पाव बचपन का याद दिलाते हैं क्योंकि पाव ऐसे मिलते थे बचपन में ना। तो अब हम खा के देखते हैं। सर क्यारा तो खाएगी नहीं, आपको पता है क्यारा का क्या हाल है, क्यारा ये वाली चीज़ें नहीं खाती है और मैं खा के देखूंगी। क्यारा बर्गर भी नहीं खाती है। वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि बासी है, क्योंकि रात को लेकर आए थे ना ये, आज नेक्स्ट डे है, तो मेरे को बहुत टेस्टी लगा, यमी।
किसको देख के मुंह में पानी आ रहा है उनको जरूर बताना। बहुत जब हम वीडियो भी देख रहे होते हैं ना तो कभी कभार मुंह में पानी आ जाता है। क्यारा को मैं दे रही हूँ क्रेनबेरी क्योंकि वो बड़ा पाव नहीं खाया उसने। और आ जाओ खाओ, इसमें से सीड्स निकलते हैं वो निकाल देना, ठीक है? ओके। हेल्थ कॉन्शियस है क्यारा, अच्छा हेल्थ कॉन्शियस है क्यारा ना। यमी ऑरेंज भी चिल निकाल दूँ, छील के दे दूँ? इसका छिलका निकाल के खा सकते हो आप। ये देखो नन्नू ये भी है, उसमें भी वही होते, क्या बोलते हैं इसमें भी सीड्स। हाँ सीड्स इसमें भी निकलते हैं, इसमें भी निकलते हैं। तो ये क्यारा का जो डो विंची है कुछ ऐसी करके नाम है, डो विंची, ठीक है? ये मतलब डो होता है, क्ले की टाइप ही है। तो इससे हम आर्ट करने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनता है इससे, ठीक है? चलो इसमें ये अटैच करो, पिंक कलर करो, ये वाला कलर लगाओ। ओके। अटैच करके मुझे दो, मैं सिखाऊंगी फिर आप करना। हाँ ऐसे दबाना है इसको, तो ठीक है लाओ। ओके इजी आ रहा है। तो हम इसको इस टाइप से करेंगे और छोड़ देंगे यहीं पर, ठीक है? क्योंकि नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएगा ना इसका ये। इसमें ना स्पार्कल भी दिए हुए हैं, है ना? तो अब नेक्स्ट मैं भी करना ही कर दूं, करना है आपने नहीं करना? मैं तो वही नहीं पाई काम। क्यों इसको ऐसे रखो, इसको घुमाते रहो, इजी है। इधर छोड़ दिया तो कोई नहीं, अगर बड़ा छोटा भी हो तो क्या हुआ, हमने यही तो करना है, ठीक है? सुंदर लग रहा है ना। हाँ फिर हम कोई कलर तो अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा ऐसे निकाल निकाल दो इसको, निकाल के इसको ढक्कन लगा लो नहीं तो ड्राई हो जाएगा, है ना? ड्राई नहीं होता है। चलो ये पूरा लुढ़क गई क्यारा। क्यारा ये बहुत तेज लग सकती थी वैसे, अब मैं डिजाइन बना। क्यारा की वीडियो नहीं बना पाई मैं, गिरते हुए पूरी जैसे पूरी ऐसे हो गई क्यारा। अब दोबारा कर रही है। नहीं चलो अब मैं कोई डिजाइन बनाऊ इसमें नहीं। हमने बनाया है थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, अब क्यारा बनाएगी यहाँ पे। चलो थोड़ा सा ट्राई करो चलाने की, मुझे आता है चलाना। चलो तो ऐसे करके चलाओ ना, अभी तो ये टिक ही नहीं रहा ना, इतनी मुश्किल से बनाई इस पे ना। कैच नहीं कर रहा, मतलब हट रहा है ये, कुछ करना पड़ता होगा इसके लिए। चलो कोई नहीं, चलो चलो। अरे इसने बनाया है क्यारा ने, चलो ये वाले कलर का कर।
ये देखो आईज बनाई है। चलो आईज बना दी। वाओ ये है क्या वैसे? लव मतलब हार्ट। हार्ट इनको देखने जा रहे हैं। ये एक्चुअली में ना बहुत मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तब क्यारा से चल जाएगा, है ना क्यारा? थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद तो मेरे से ही देख लो कैसा बना है। तो क्यारा तो वैसे भी बहुत सुंदर बनाया है। तो ये हमारी है ड्राइंग, मतलब क्या बोलते हैं इसको, भूल गई मैं। प्लेटिंग नहीं, डो डो विंची शायद। हाँ डो विंची, डो विंची अच्छा लग रहा है बहुत। डो विंची। अभी मैं और भी यहाँ लिखना चाहती हूँ कुछ, लिखो फ्रेंड। चलो सो गाइस देखा आर्ट का आज हमने बहुत, ये चीज में ना टाइम पास बहुत जल्दी हो जाता है, कम से कम हाफ एन आवर हो गए हम इसे में लगे 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 लगे। और चिकन रेसिपी आपको मैंने बता दी थी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। और आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना मत भूला अगर नहीं हो तो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस। बाय कर दो बाय।